हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बृजेश मौर्या आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हां, आज वीडियो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से, सुल्तानपुर से वाराणसी के बीच बनने वाला 4 लेन हाईवे लगभग 5 वर्ष हो गए क्यों कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, और कितना काम हो चुका है और कहां पर अभी बचा हुआ है वर्क होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। केंद्र सरकार ने राज्य से प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 2015 में 4 लेन प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके तहत 256 किलोमीटर लंबे लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-56 को 4 लेन करने के लिए 4200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना था, जिसे 2 फेज में बांटा गया था। लखनऊ फेज के अंतर्गत 2000 करोड़ से 128 किलोमीटर लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे 4 लेन जो कि बनना था लगभग 2 वर्ष पहले बन करके तैयार हो चुका है। और यदि फेज टू की बात की जाए तो सुल्तानपुर से बाबतपुर चौराहा जो कि वाराणसी में पड़ता है तक का कार्य फेज टू में किया जाना था। सुल्तानपुर से जौनपुर के बीच 73 किलोमीटर और जौनपुर से बाबतपुर 63 किलोमीटर का जो कार्य करना था वो फेज टू के अंतर्गत होना था, और इसमें 2200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास हुआ था। यूपी की राजधानी लखनऊ से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को जोड़ने वाले लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का 1/4 कार्य लगभग 4.5 वर्ष में पूरा नहीं हो पाया है। वहीं लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग 2 साल से लोगों की आवागमन के लिए खोल दिया गया है। सुल्तानपुर वाराणसी हाईवे 4 लेन होने के बाद अमेठी जौनपुर के साथ साथ सीमावर्ती अन्य जिलों के लोगों को भी राष्ट्रीय राजधानी लखनऊ से वाराणसी तक बेहतर कनेक्टिविटी की मंशा से केंद्र सरकार ने लखनऊ वाराणसी हाईवे NH-56 के चौड़ीकरण को मंजूरी दी थी, जो कि लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे जो कि 2 साल पहले कंप्लीट हो चुका है। सुल्तानपुर से वाराणसी तक के बीच में लगभग 75% का कार्य जो कि पूरा हो चुका है। अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो लक्ष्य रखा था कि कंप्लीट कर लेंगे वो नहीं हो पाया, ये 2021 लास्ट तक जाएगा लग रहा है ऐसा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण पहले तो कार्य बहुत स्लो हुआ। 24 मार्च 2020 को जो लॉकडाउन लगा उसके बाद में 2 से 1.5 महीने का कार्य बंद किया गया। उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो मजदूर थे उनकी संख्या को कम किया गया, और कई कारण ऐसे भी हैं जिससे कि इस हाईवे में बनने में काफ़ी टाइम लग रहा, क्योंकि यहां पर कुछ किसानों का मुआवजे को लेकर भी काफ़ी बीच में प्रॉब्लम आई थी। लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन हाईवे बनने के बाद जहां लखनऊ से सुल्तानपुर पहले 4 से 5 घंटे का समय लगता था, वही अब 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है लखनऊ से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से लखनऊ आने जाने के लिए। सुल्तानपुर वाराणसी 4 लेन हाईवे लगभग 1792 करोड़ की लागत से 139 किलोमीटर मार्ग अभी तक पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है। इस मार्ग पर लगभग 75% का कार्य हो चुका है। कई कारण हैं, मुआवजे के वितरण में बड़ा अंतर होने के कारण भी इसमें काम स्लो हुआ। काम स्लो होने का एक कारण यह भी है, प्रयागीपुर रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का कार्य अभी पूरी तरह से ठप पड़ा है। सुल्तानपुर वाराणसी 4 लेन हाईवे के बारे में यदि और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, घर पर रहें, कोविड के कारण बहुत हालत ख़राब है सभी जगहों के, घर पर रहें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क लगाएं, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकलें। और दोस्तों, यदि इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंचे, और कोई भी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियो अवश्य बनाकर इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको तुरंत का तुरंत मिल जाए। दोस्तों, लॉकडाउन है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोविड के कारण काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पर सभी जगहों पर। तो इसीलिए मैं जो ये फ़ोटो आप देखते हैं, मैं दूसरी फ़ोटो यूज़ करता हूँ। कई लोगों ने कमेंट किया कि कम से कम आप जो फ़ोटो यूज़ करते हैं वो रियल की रखें। तो देखिए, इस समय मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, इसीलिए मैं फ़ोटो और वीडियो को यूज़ करता हूँ, अन्यथा मैं लाइव में आपको दिखाऊँगा हर जगह का।